दसवीं और आठवीं के बोर्ड की परीक्षा शुरू करने का फैसला कर लिया है। निजी स्कूलों की संस्था हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के अध्यक्ष यशपाल यादव ने फैसले का स्वागत करते हुए निजी स्कूलों के लिए कुछ मांगे भी रखी है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कुछ पुराने फैसलों को नया रूप देने का काम किया जा रहा है। सरकार ने एक बार फिर से पांचवी और आठवीं में बोर्ड परीक्षा शुरू करने को हरी झंडी दिखा दी है। सरकार के इस फैसले का गुड़गांव के निजी स्कूलों की संस्था के अध्यक्ष यशपाल यादव ने स्वागत किया है। साथ ही निजी स्कूलों के हितों के लिए कुछ मांगे भी सरकार के सामने रखी है, जिनमें बसों की मान्यता अवधि 10 साल से बढ़ाकर 20 साल करना, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करना, 2003 से पहले से चल रहे स्कूलों को मान्यता देना और 134A के तहत एडमिशन में छूट देने का प्रावधान की मांग की गई है। कुछ मांगे जो अभी भी लंबित है, जो सरकार द्वारा नहीं मानी गई है, एक तो हमारे जो स्कूल की बसें हैं वो 10 साल की उनकी मान्य अवधि रखी गई है, जो 20 साल के होने चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल की बसें चलती बहुत है, रनिंग उनकी इतनी नहीं होती है, तो कम से कम 20 साल तक होने चाहिए या कुछ किलोमीटर फिक्स कर देने चाहिए सरकार के द्वारा कि इतने किलोमीटर के बाद वो NCR के क्षेत्र से बाहर भेज दी जाए, तो वो बात अभी तक सरकार द्वारा नहीं मानी गई है। तीसरी बात यह है कि 134A के तहत जो पढ़ रहे हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं, उनके अताई के रामविलास शर्मा ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 134A के तहत जितने बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन लेंगे उनकी ग्रामीण क्षेत्र में 200 रूपये और शहरी क्षेत्र में 400 रूपये के हिसाब से अदायगी की जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं की गई है। हालांकि 200 रूपये 400 रूपये से हम संतुष्ट नहीं है, उससे ज्यादा होने चाहिए, लेकिन 200-400 रूपये भी उन्होंने अभी तक नहीं किया है, नहीं दिया है, तो उस पर भी हमारी नाराजगी है। निजी स्कूल संस्थान की मांगे कितनी जायज हैं ये तो सरकार तय करके उन पर मुहर लगाएगी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि केवल गुड़गांव ही नहीं पूरे प्रदेश के निजी स्कूल सभी नियमों का पालन करें, ताकि उनमें पढ़ने वाले बच्चों और उन बच्चों के अभिभावकों को कोई परेशानी ना हो। गुड़गांव से सुधीर कुमार सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।